नमस्कार दोस्तों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि सभी के लिए बहुत ज़रूरी है और इसका फायदा सभी को उठाना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब इस दुनिया में आए थे खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, कोई कुछ लेके जाएगा नहीं। लेकिन परिवार लोगों के लिए कुछ सहायता दे के जा सकते हैं। हेलो दोस्तों, काल का दुनिया कौन देखा है? आज किसी के पास भी टाइम नहीं है, सब कोई अपने अपने काम में बिजी हैं। कब किसके साथ क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं है। हम लोग बस इस दुनिया में आए हैं अपने काम करने के लिए। हम लोगों का जो एक्टिंग है, एक्टिंग बस कर रहे हैं, बस हम लोग अपना अपना एक्टिंग करके एक ना एक दिन जहाँ से आए थे वहाँ चले जाएंगे। हाँ दोस्तों, तो मैं आज जो टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा और इसका फ़ायदा जरूर लीजिएगा। हाँ दोस्तों, अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे जो मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आप लोग देख सकेंगे। आज मैं जो बताने जा रहा हूं वो है PMSBY और PMJJBY। PMSBY होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और PMJJBY होता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये बहुत ही अच्छा स्कीम है, ये एक टाइप का इंश्योरेंस पॉलिसी है। PMSBY वो सालाना एक साल में 12 रुपये बस देना पड़ता है, जो कि ऐसे देखते हैं तो एक महीना में बस 1 रुपया, तो साल में 12 महीना होता है तो 12 रुपया हो गया। तो एक दिन का अगर 1 रुपया हम लोग एक जगह सेविंग करके रखते हैं तो सालाना में 12 रुपया हो गया। इंश्योरेंस पॉलिसी है प्रधानमंत्री SBY योजना। इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है हर कोई जो जो इंश्योरेंस कराते हैं। पहले मैं PMSBY के बारे में बताना चाहूँगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में बताना चाहूँगा। इसमें सालाना में 12 रुपया देना पड़ेगा। इसका बेनिफिट यही है कि अगर एक्सीडेंटल केस में या पार्शियल डिसेबिलिटी केस में अगर किसी को कुछ भी हो जाता है एक्सीडेंटल में या पार्शियल डिसेबिलिटी में, तो उसको इंश्योरेंस के तरफ से सहायता मिलता है। एक्सीडेंटल केस में 2 लाख का बेनिफिट मिलता है और पार्शियल में 1 लाख का बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों, ये स्कीम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये गरीब श्रेणी के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। गरीब श्रेणी के लोग तो ज़्यादा पैसा दे के इंश्योरेंस करा नहीं पाते हैं, लेकिन एक महीना में 1 रुपया तो दे सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा स्कीम है। और इसके लिए क्या क्या चाहिए? पहले तो बैंक में अकाउंट होना चाहिए, प्राइमरी जो KYC होगा आधार कार्ड, बैंक में अकाउंट होने से हर साल जून महीना में पैसा कटेगा अपने अकाउंट से, लिंक होगा अकाउंट के साथ ये पॉलिसी। ये कवरेज होगा 1 साल के लिए, जून महीना में कटेगा तो ये अगले साल मई महीना तक कवरेज करेगा, मतलब 1 साल के लिए कवरेज रहेगा। और इसका एज लिमिट रहेगा 18 साल से 70 साल के लिए। तो ये तो हो गया दोस्तों प्रधानमंत्री SBY के बारे में।
अभी मैं बताने जा रहा हूँ पीएम जेजेबीवाई के बारे में, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छा पॉलिसी है। आप लोगों को पहले बताया था पीएम एसबीआई के बारे में। पीएम एसबीआई में क्या होता है ना, बस एक्सीडेंटल केस में या पर्सनल डिसेबिलिटी केस में आप लोगों को बेनिफिट मिलता था। लेकिन पीएम जेजेबीवाई जो मैं अभी जो बता रहा हूँ, इसमें आप लोग नॉर्मल डेथ केस में भी बेनिफिट ले सकते हैं। अगर किसी का नॉर्मल हिसाब से डेथ हो गया तो इससे आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं। इसका भी वही प्राइमरी डॉक्यूमेंट रहेगा आधार कार्ड, प्राइमरी केवाईसी डॉक्यूमेंट रहेगा आधार कार्ड। अमाउंट रहेगा इसका 330 रुपया। आपको आप लोगों को इस पीएम एसबीआई में लग रहा था 12 रुपया, इसमें 330 रुपया, जो कि महीना के हिसाब से हिसाब करते हैं 330 / 12 27 रुपया 50 पैसा। बहुत ही कम अमाउंट है, ज़्यादा अमाउंट नहीं है। तो हर कोई पोर फैमिली भी इसमें इस योजना का लाभ उठा सकता है। इसका एज रहेगा, एज लिमिट रहेगा 18 से 50 रहेगा। आप पीएमएसबीआई में था 18 से 70 साल, इसमें 18 से 50 साल तक रहेगा। तो यही बहुत लाभदायक दो पॉलिसी है। तो इसके लिए भी वही बैंक अकाउंट रहना चाहिए, बैंक में अकाउंट होना चाहिए। हर साल जून महीना में अपने अकाउंट से जो भी जिस अकाउंट लिंक रहेगा पॉलिसी के साथ उसी अकाउंट से कटेगा, वही जून महीना में कटेगा, मई महीना तक कवरेज रहेगा, मतलब एक 1 ईयर के लिए। अब इसमें दोनों पॉलिसी में यही इम्पोर्टेंट बात है कि जून महीना में अपने अपने सेविंग अकाउंट में पैसा रहना चाहिए, नहीं तो कटेगा नहीं, क्योंकि रिन्यूअल के लिए पैसा चाहिए 12 रुपया और 330 रुपया। तो मेरे हिसाब से दोनों ही पॉलिसी अच्छा है और दोनों ही कर लेना चाहिए, ज़्यादा अमाउंट नहीं है। तो दोस्तों अगर जो जो भी नहीं किए हैं तो अपने नियरेस्ट ब्रांच में जाइए, नियरेस्ट बैंक में जाइए और बैंक में कॉन्टैक्ट कीजिए और ये दोनों पॉलिसी का लाभ उठाइए। पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई दोनों पॉलिसी में 2 लाख का इंश्योरेंस रहेगा पीएमएसबीवाई एक्सीडेंटल के लिए और पीएमजेजेबीवाई नॉर्मल डेथ के लिए। दोनों में ही 2 लाख का बेनिफिट रहेगा। आज का दुनिया में आजकल तो कितना कितना खर्चा हो जाता है ये सब भी रख नहीं पाते हैं। पान पुड़िया चाय सिगरेट बहुत ही इधर उधर से हम लोग खर्चा कर देते हैं, लेकिन बहुत ही कम पैसा दे के हम लोग ये दोनों पॉलिसी अगर कर लेते हैं तो अगर हम लोग के भी कुछ हो जाता है, भगवान ना करे ऐसा हो लेकिन हो जाता है, तो जो नॉमिनी रहेगा हम लोग का परिवार से उसी को फाइनेंशियल बेनिफिट मिल सकता है 2 लाख का। तो 2 लाख दोस्तों उसी का बहुत कुछ काम में आ जाएगा। तो दोस्तों दोनों पॉलिसी कीजिए और पॉलिसी का लाभ उठाइए।